आजा तेरी ये बाट थी। 10 दिन के भीतर केडी के 3 गाने बोले के ऊपर बोले की मर्जी तय बिना कोई प्लानिंग के रिलीज हुए। देवेंद्र रावत के नए गाने की रिलीजिंग डेट आ गई। MC स्क्वेयर का पिटबुल नाम ते गाना आया, जिस टाइप के गाने हरियाणवी हिप हॉप में आज तक ना आए है। तो आज की वीडियो में इन्हें कुछ चीज़ों के बारे में बात करांगे। तो सब ते पहला MC स्क्वेयर की बात करा, तो MC स्क्वेयर ने 3-4 दिन पहला पिटबुल ते गाना रिलीज करया है, जिसकी वाइब काफी खतरनाक सी देखी गई है, जो कि कुछ ऐसी थी। इस गाने में दाकिड का म्यूजिक था, जो कि सिद्धू मूसेवाले के गाने में म्यूजिक दिया करता। और MC स्क्वेयर सिद्धू मूसेवाले ते काफी तगड़ी डाले इंस्पायर्ड है। तो स्क्वेयर ने और दाकिड ने मिलकर इस गाने में जो फील काटी है, उस डाल की फील हरियाणवी हिप हॉप में आज तक सुनने ना मिली है। पूरे एनर्जेटिक वोकल्स और साथ में रैप्टे से मारता बीट पैटर्न और साथ में जमीन तक जुड़ी ओढ़ लिरिक्स। मेरा एटीट्यूड आया बाबा लंबड़दार है, मेरी जात का है। इस गाने पर न्यू तो 2.5 लाख व्यूज दिखे है, पर 32-33 हजार लाइक्स है। तो कहने का मतलब यू है कि जिनने यो गाना सुना है उनका काफी ज्यादा पसंद आया है। और व्यूजर लाइक्स में 10% की रेशियो काफी बढ़िया मनी जाए करे, और आड़े तो 13% तक ऊपर है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यो एक खतरनाक ट्रैक है और हरियाणवी हिप हॉप में एक नई डायरेक्शन बनाने का काम करेगा। इब केडी की बात करा, तो बात है 12 जुलाई 2024 की, जब केडी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट आकर पड़ी कि आज ब्लाइंड फेथ नाम ते एक गाना आवेगा, और फिर गद्दे ही ने वो रिलीज भी हो गया, जो कि कुछ इस वाइब का था। चलो कोई ना, एक सरप्राइज ठीक था। फिर तारीख आई 15 जुलाई, और उस दिन फिर तय यो पोस्टर आ गया कि क्रिएटर बोला नाम तय एक गाना आने लग रहा है, और फिर यो गाना भी रिलीज हो गया, और यो गाना इस वाइब का था। ये दोनों गाने थोड़े स्लो वाइब के थे और मन न थोड़ी शांति देने वाले थे, और इसे थे जिनकी लिरिक्स अप आराम तक बैठ कर फील कर सका हाँ। पर के डिब थोड़ी डट था, फिर न्यू बोलिया कि मन की शांति तो होगी, इब थोड़ा तांडव भी कर लिया हाँ। मेरा मतलब है एक और गाना अनाउंस कर दिया, तांडव बोले का नाम तय। यो गाना टाइम्स म्यूजिक हरियाणवी ताना है, और इसकी वाइब थोड़ी ही फास्ट है। यो गाना 22 जुलाई नाव है, तो कह सका हाँ 10 दिन के भीतर केडी के 3 गाने आगे, जो कि उसने खुद लिखे, खुद कंपोज करे और खुद गाए है। यह वीडियो में किसने रिकॉर्ड करूँ, तो हो सके है यह वीडियो तुम देखो इतना यो गाना भी आ लिया हो। फिर इसके बाद देवेंद्र रावत की बात करा, तो उसने भी एक स्टोरी के माध्यम से बताया है कि जिस दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ेगा यानी कि 2 अगस्त, उस तय अगले दिन देवेंद्र की तरफ तभी एक नया गाना सुनने मिल लेगा। तो कह सका 3 अगस्त ने यो गाना अपने शामी आ लेगा। बाकी पास लेख 2 गाने घने तगड़े ना होकर एवरेज से रहे है। इस वीडियो में बस ये बात थी, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।